नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च और टमाटर के पकौड़े। इसके लिए पहले हम इसमें एक मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च सिलौटी में पीस लेंगे। वैसे तो हम इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर हम इसे देसी तरीके से बनाएंगे। चटनी एक कटोरी में कर लेते हैं। अब हमें उबले हुए आलू लेना है। अब थोड़ा भुना हुआ पिसा जीरा डाल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा नमक डाल लेते हैं, थोड़ा चाट मसाला, इससे डालने से हमारा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, और थोड़ी सौंफ डाल लेते हैं और थोड़ी सी हींग और आधा नींबू भी निचोड़ लेंगे, इससे थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाएगा। अब सिलौटी में पिसा हुआ पेस्ट भी अपना डाल देते हैं। अब इसको एक चम्मच से सही से मिला लेते हैं। अब हमें एक बाउल में थोड़ा बेसन लेना है और उसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी ज़्यादा ना डालें, को अपना पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं करना है। बेसन पतला करने से टमाटर और मिर्च में नहीं लगेगा बेसन, इसलिए इसको गाढ़ा रखें ताकि ये मिर्च और टमाटर में अच्छे से बेसन लग जाए। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब हमारा बेसन अच्छे से तैयार हो गया है। बेसन में भी थोड़ा नमक डाल दें। आइए अब अपने मिर्च और टमाटर को काट लेते हैं। मिर्च को हमें बीच से इस तरह से काटना है और टमाटर को इस तरीके से काटना है। अब अपने मिर्च और टमाटर में अपना मसाला भरेंगे। इसको हम बेसन में अच्छे से लपेट करके तल लेंगे। इसी तरह टमाटर भी तल लेंगे। Thank you.
हमारे मिर्च टमाटर के बेसन के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसी ही रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।